अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुरव ख्याली और आप देख रहे हैं ख्याली डिश टीवी। जनाब मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़र हूं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये हमारा सी बैंड का LNB है। ये आप देखें, इस पर हर चीज़ आपको मेर नज़र आ रही होगी क्लियर। थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। हाँ ये देखें जी, इनपुट फ्रिक्वेंसी 3.5 AC 4.2। ये आपके सामने जो मुझे भी थोड़ा सा धुंधला नज़र आता है कभी भी। हाँ ये मेगा हार्ट्स के अंदर LNB की ये जो फ्रिक्वेंसी होती है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये मेगा हार्ट्स ये देख रहे हैं इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इसकी अपनी जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, LNB की, वो 5150 है, ठीक है। यहाँ उसने 5.150 मेगा हार्ट्स की, ठीक है। जो उसकी आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है वो 950, ठीक है, AC और तकरीबन 1750 मेगा हार्ट्स, ठीक है। ये आगे चल के इंशाल्लाह जो है आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा। अब मेन चीज़ एक पूछी जा रही है तो मैं आपको ज़रा उसके बारे में बता देता हूँ। ये डस्ट जो कार्ड लगा हुआ है, ठीक है, LNB अभी इस पोजिशन से है तो ये वी है, इसको कहते हैं वर्टिकल पोजिशन, जिस पोजिशन के अंदर आप ये लगी हुई है। गौर से देखना है दोस्तों कि जिस पोजीशन के अंदर ये लगी हुई है, ये इसका मुंह नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, ये वर्टिकल में रहेगा। ये आपने अब याद रखना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, इसका मुंह ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो तो ये वर्टिकल है। अगर इस साइड पर इसका मुंह हो गया, जिस तरफ पे मेरा हाथ है, यानी कि ये इस तरफ घूम गई है, अगर ये उस तरफ घूम गई है या इस तरफ घूम गई है तो ये एच है, यानी ओरिजेंटल पर है, ठीक है। ज़्यादातर लोग सेटिंग करने के लिए जो है इस तरह ही इसको रखते हैं, ठीक है, और पार्क सेट लगाने के लिए हमारे पास इसको एच पर करना ही पड़ता है, यानी कि इसको ऐसे पकड़ के इसका मुंह इस तरह घुमा दिया जाता है। मैं आपको सारी मुकम्मल डिटेल देता रहूँगा। कुछ लोग कहते हैं जी आपकी LNB जल गई है जी, ये काम नहीं कर रही। इस पर 2 TPs इस पर डालकर आप अपने रिसीवर में चेक करेंगे कि ये काम कर भी रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको इसके 2 ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा, 3 बल के, जिस पर सामने वाला आपको लूटने की तो बिल्कुल गलती नहीं करेगा, ठीक है। ये बंदे को अच्छी खासी समझ है। पहली बात तो आप किसी को बुलाएंगे नहीं, खुद से सेट कर पाएंगे, अगर वीडियो देखते रहेंगे, स्केप नहीं करेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से समझेंगे बात को। हर रिसीवर की सेटिंग के बारे में मैं आपको प्रॉपरली बताऊँगा, प्रॉपरली मैं ये बता रहा हूँ, प्रॉपरली बताऊँगा, ठीक है। जहाँ पर भूल जाएंगे आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके फिर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगी, जिसमें इतनी कोई बजारत वाली बात है नहीं। तो ये जो उल्टा सीधा गाइड कर रहे हैं, फलाना कुछ चल रहा है जी, फलाना कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये मेरे भाई और दोस्तों ये झूठ होता है, ठीक है। फेक तरह के रिसीवर्स लगाए होते हैं, ठीक है, उनमें गोडा सर्वर लाइन डाली होती है, ठीक है। मैं इंशाल्लाह जो भी करूँगा आपको प्रॉपरली बताता जाऊँगा, ठीक है। ये जो LNB होती है, ये सी बैंड सिंगल पिन, ठीक है। अब उस पर दूसरी दिखाता हूँ मैं आपको, ये C-band T2, इसमें 2 T हैं, ठीक है, 2 रॉड्स हैं इसके तकरीबन। ये भी वही चीज़ है, LNB कोई भी रहेगी, चीज़ यही रहेगी उसके ऊपर, ठीक है। ये देख लें, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि इनको बनाने वाली कंपनीज मुख्तलिफ हैं, लेकिन मटीरियल इनका एक ही जगह तैयार होता है। तो दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है, KU बैंड के बारे में आप नेक्स्ट आगे जाकर सीखेंगे, जब आप सेटिंग पर लग जाएंगे इंशाल्लाह, तो आप जो है वो KU बैंड के बारे में सीखेंगे। मेरे जनाब आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस काम के लिए काफ़ी वक्त निकालना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से वक्त भी निकलता है। तो दोस्तों मैं फील्ड में दोस्तों की काफ़ी रिक्वेस्ट रही कि आप YouTube पर एक चैनल बना लें और उस पर जो है हमें ब्रीफ कर दिया करें कि यह काम इस तरह से करना है। तो दोस्तों इसमें अपनी ज़ाती किसी गर्ज के लिए मैं नहीं आया, मेरे को नहीं कहता कि मेरे को ये करो या ये करो, लेकिन वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि ये बंदा काम कर सकता है, लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह।